हेलो दोस्तों, मैं हूं इरशाद फरहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे फ़ोन होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है। यदि कॉल रिकॉर्ड होता है तो उसमें एक प्रोनाउंस बोला जाता है, जिसमें यदि हम कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी बंदा हमारे कॉल पर होता है तो उसे सुनाई वो दे जाता है। जैसे मैं कस्टमर केयर को यहाँ पर कॉल करता हूँ तो इस तरीके का प्रोनाउंस बोला जाएगा, और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तब भी उसको पता चल जाता है। तो इस तरीके से यदि जब हम कॉल को रिकॉर्डिंग पर डालते हैं तब भी उसको, जो हमारा बंदा कॉल पर है उसको पता चल जाता है, और यदि हम उसको सेट ऑफ करते हैं तो तब भी पता चल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कि बंदा जो भी कॉल पर है उसे ये ना पता चले कि मेरे कॉल को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलना इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए। तो सबसे पहले ओपन कीजिए अपने फ़ोन का प्ले स्टोर। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वही सेटिंग आपको करना है, तभी आपका कॉल है जो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जैसे कि आपने ओपन किया अपने फ़ोन का प्ले स्टोर, यहाँ पर लिखना है आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर है जिसके डाउनलोड हैं 100 मिलियन प्लस हैं, और जो एप्लीकेशन है 4.7 MB का है, और जो जिसकी रेटिंग है 3.8 स्टार, इसको कर लेना आपको इंस्टॉल। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहें तो सीधा यहाँ से भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, अब ध्यान से देखिए ज़रा, जो जो सेटिंग मैं यहाँ पर करता हूँ तभी आपका कॉल है जो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर करना है आपको आई एग्री पर क्लिक। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, गिव परमिशन। यहाँ पर करना है आपको अलाउ। पहला जो चीज़ आपको करना है परमिशन को अलाउ करना है। यहाँ पर एंड्रॉयड 11 लिखा है ऊपर, और यहाँ पर एक लॉक का सिंबल है, और नीचे टर्न ऑन लिखा हुआ है। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तभी आपके फ़ोन का जो कॉल रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको हम टर्न ऑन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन का जो ये रिकॉर्डिंग है यूज कॉल रिकॉर्डर को कर देना है आपको अलाउ, और इसके बाद कर देना है आपको बैक, और यहाँ पर कर देना है आपको नेक्स्ट। और यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन जब बंद रहे तब भी ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करें तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं, वरना आप इसे डिसेबल ही रहने दें। जैसे मैं इसको डिसेबल रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं डन कर देता हूँ। तो अब आपको मैंने अगेन दिखाता हूँ कॉल करके, जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले दिखाया कि वहाँ पर एक प्रोनाउंस बोला गया कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको अगेन एक बार कॉल करके दिखाता हूँ कि ये सुनने को हमें मिलता है अगेन या नहीं। जैसे मैं दोबारा कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ। हाय, वेलकम टू वी, हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। ये 5 सेकंड का कॉल हमें रिकॉर्ड हो चुका है, और अब हम इसका जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से इसे सेव भी कर सकते हैं, यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग किया गया है वो 199 का किया गया है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और जो सेव आपने किया है रिकॉर्डिंग उसे देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आपको ये प्रोनाउंस सुनने को नहीं मिला जो कि पहले मिला था। जैसे मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, ये वाला, जैसे हम इसे बंद करते हैं तब भी उसको पता चल जाता है जो भी बंदा आपके कॉल रिकॉर्डिंग पर है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ये सेटिंग ज़रूर से अपने फ़ोन में कर लिया होगा, और आप अच्छे से किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब आप लाइक करते हैं तो हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन करता है। मिलते हैं एक ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।